गई तो ये सब भूल जाएंगे। 4 जून को ऐसा तमाचा पड़ेगा इनके मुंह पे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कहते हैं कि जब किसी इंसान के चरित्र का पता करना हो तो उसे पावर देके देखो और सुक्खू जी को देखो, क्या भद्दा और क्या बेशर्म चरित्र निकल के आया है। अपने ही जो है एमएलए को कहते हैं कोई मेंढक है, कोई काला नाग है, ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और तू मेंढक है, तू काला नाग है, शर्म नहीं आती उनको? ये भी तो दुनिया हमारी ही चुने हुए प्रतिनिधि है। ये जो घमंड की भाषा बोली जा रही है, ये जो अभद्र भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जा रही है, चाहे वो जयराम जी के खिलाफ हो चाहे वो मेरे खिलाफ हो, मुझे कल कहता है कि ये जिस जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली, और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है। मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि लड़कियों के अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। ए पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। दोस्तों, ये जो भ्रष्ट राजनीति यहाँ पर हो रही है, ये जो बेटियों का और हमारे जो जितने भी माननीय जो हमारे जिन लोगों ने अपना पूरा पूरा जीवन जो है प्रदेश की सेवा में लगा दिया, जो जिनका अपमान हो रहा है, मेरी मंडी की जनता जो है, मेरी मातृशक्ति, मैं जहां जहां जा रही हूँ वहां मुझे मातृशक्ति ही दिखाई दे रही है। इन्होंने मन बना लिया है, इन्होंने मन बना लिया है कि ये घमंडी लोगों को जो है इनको कहीं का नहीं छोड़ना है। 4 जून को ऐसा तमाचा पड़ेगा इनके मुंह पे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी लीड जो है हमें मंडी से मिलेगी, आपकी बेटी को, आपकी कंगना को मिलेगी, कि पूरे देश में कोई भी पहाड़ी बेटी के चरित्र के बारे में, हमारी पहाड़ी महिलाओं के बारे में जो है कोई भी किसी तरह की भद्दी टिप्पणी ना कभी कर पाए। मेरी माताओं को मुझे ये वचन देना है कि हमें जो है इस तरह का उदाहरण रखना है कि हमारी बेटियों पे कोई कभी उंगली ना उठा पाए, हमारी बेटियों के चरित्र पे कभी कोई उंगली ना उठा पाए, और ऐसी गंदी बात बोल के कि हमारी बेटियों का भाव क्या है कभी कोई जो है आगे नहीं निकलना चाहिए, इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने चाहिए। ये मेरी मातृशक्ति को जो है मुझे ये वादा करना है। और दोस्तों, हम यहाँ पर जयराम जी मेरे भाई हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और जैसे जैसे ये मुझे बोलेंगे मैं वैसे वैसे आपके लिए जैसा काम करना होगा मैं वैसा करूंगी।